Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will be covering symmetric and skew symmetric matrices. So let's begin. I've already written down the definitions for the symmetric and skew symmetric matrix. So let's begin. Basically, a matrix A is said to be a symmetric matrix if the transpose of the matrix A will be equal to the original matrix A. Okay, for all the elements, like for all the rows and columns, here we have represented it in mathematical way. Basically, एक matrix, square matrix, कोई भी square matrix जो है वो symmetric matrix तब होगा जब उसका transpose जो है वो original matrix के equal होगा. So let's take an example. मैं आपको एक matrix बताती हूँ. Let's assume एक matrix A है जिसमें elements हैं like 2, 3, 1, 0, 1, 0, 5, -1, -1, and 2. Okay, so let's take this matrix. So there is a matrix A जिसमें ये सब elements हैं. Let's quickly try to find the transpose of this matrix. कि हमें rows and columns को just interchange करना है. तो 2, 3, 1, 0, 1, 5, -1, 0, -1, 2. So you can see over here कि matrix A जो है वो इस transpose matrix के equal है. तो matrix A क्या हुआ हमारा? Basically A matrix हुआ हमारा symmetric matrix. Okay, so just one more thing to highlight कि एक prerequisite है कि symmetric matrix हमेशा हमारा square matrix ही होगा. Okay, so symmetric और skew symmetric matrix हमेशा square matrix ही होते हैं. Okay, so let's start with skew symmetric matrices. Basically square matrix कोई भी एक matrix हमारा skew symmetric matrix तब होता है जब उस matrix का transpose जो होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होता है. यू कैन सी माइनस इज नेगेटिव के इक्वल होता है. ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल. वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक 1, 3, 4, 3, 5, 6, -4, -6, and 8. लेट्स टेक कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ही है. अब हम इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं. ओके, क्या कुछ नहीं करना, जस्ट रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज. ओके, अब आप देख सकते हो कि आपका जो मैट्रिक्स ए है, देखो क्या वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ओरिजिनल है कि नहीं. आप देखो, पता चलेगा आपको. 1, 1, आपका ये नेगेटिव नहीं है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है. ये आपका नेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव होने चाहिए. तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है जिसमें वैल्यू है 0, 5, 3, -5, 8, 7, -3, -7, 0. ओके, सो अब आप इस मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज लोगे, ट्रांसपोज ले रहे हो, क्या आप चेक करो ये आपका नेगेटिव है. हर एलिमेंट 0, 0 है, 5, -5 है. बी मैट्रिक्स का 3, यहाँ पे माइनस तो नेगेटिव है, -5, 5 ये भी है, 8, 8 नहीं, नेगेटिव नहीं है. तो ये भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हुआ. ओके, सो इन केस अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो तब ये होता नेगेटिव, 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 तब आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता. ओके, सो ये चीज आपको कुछ ध्यान रखनी है. तो आई होप आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो. एज पर एनसीईआरटी जब हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही हाईलाइट होता है क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड के एग्जाम्स में आता है. तो वो क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं. लेट्स एग्जाम. इसमें हमें क्या होता है कि हमें इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन होता है एंड वी नीड टू जस्ट प्रूव
और फाइन बेसिकली एक्सप्रेस करना होता है उस मैट्रिक्स को हमें एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड के एग्जाम में, अगर स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो हमेशा ये यही आता है. मैट्रिक्स की वैल्यू एलिमेंट से लोग चेंज कर देते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है. सो लेट्स टेक, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं लाइक बी, एक मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 3, -1, -2, -2, -1, -4, -5 एंड 2. लेट्स टेक कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है एंड वी नीड टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, हमें इसको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है. ओके, सो ट्रांसपोज निकालते हैं. ओके, सो ये मैट्रिक्स का हमारा ट्रांसपोज आ गया. ओके, सो बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जो आपको हमेशा याद रखना है कि हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं जैसे पी, हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स निकाल रहे हैं पी, तो उस पी मैट्रिक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ बी प्लस बी डैश, जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन होता है ना उस मैट्रिक्स के साथ हम उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं और उसका हाफ निकालते हैं. ओके, सो उससे हमें एक मैट्रिक्स पी निकलता है. तो हम निकालते हैं इस फॉर्मूला से, हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसको जस्ट ऐड करना है, तो ऐड करते हैं 3 + 3 = 6, 3 - 2 = 1, -5, 1, -4, -4, -5, 1, -4 and 4. ओके, सो हमारा एडिशन निकल गया, अब हमें जस्ट इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 3 ½ - 5/2 ½ -2, -2, -5/2, -2 and 2. ओके, ये हमारा एक मैट्रिक्स निकल गया पी. अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, पी ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या आएगा हमारा, 3 ½ -5/2 ½ -2, -2, -5/2, -2 and 2. अब आप देख सकते हो कि आपने जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रहा है, तो बेसिकली पी जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ. ओके, सिमिलरली हमें क्यू मैट्रिक्स निकालते हैं जो है हमारा हाफ बी माइनस बी डैश, जो बी ट्रांसपोज निकाले उसको हमें बी से करना है. ओके, सो सिंपली जस्ट हम माइनस करते हैं, जो हमें ऊपर दो ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन थे हमें इनको माइनस करना है, तो हमारा क्या निकलेगा, माइनस करके 0, 5, 3, -5, 0, 6, -3, -6, 0. ओके, ये हमारा मैट्रिक्स निकला. अब हमें इसको सीधा 2 से डिवाइड कर देना, तो 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3, 0. आपको देख के ही पता चल रहा है कि आप अगर इसका ट्रांसपोज लोगे तो वो नेगेटिव आएगा ऑफ द मैट्रिक्स ओरिजिनल क्यू. तो मैं जल्दी से आपको एक बार ट्रांसपोज लेके भी दिखा देती हूँ. क्यू ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3 और 0. अब आप देख सकते हो ये आपका नेगेटिव ऑफ क्यू ही है. सो ये आपका हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और हमें क्या एक्सप्रेस करना था, ओरिजिनल मैट्रिक्स पी को हमें मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करना था एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमें जस्ट कुछ नहीं करना, अब हमें पी प्लस क्यू करना है. हमें पी पता चल गया कि वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यू पता चल गया हमें कि वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ओके, सो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट पी प्लस क्यू करना है. ओके, सो पी प्लस क्यू, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें जस्ट पी प्लस क्यू करना है. तो हमारा पी और क्यू निकल गया है, तो हम जल्दी से इसको ऐड कर देते हैं. तो क्या निकलेगा हमारा, पी है हमारा 3 ½ - 5/2 ½ - 2 - 2 - 5/2 - 2 and -2. ओके, ये हमारा है ये हमारा है पी प्लस क्यू करना है. क्यू आया हमारा 0, 5/2
3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3 and 0. अब हम इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2. ओके, सो आप देख सकते हो 3 -1 हमारा बिल्कुल बी मैट्रिक्स के इक्वल आया, ये जो निकला है -2 -1 -4 -5 एंड 2, ये हमारा सेम निकला है बी मैट्रिक्स के. तो हमने एक्सप्रेस कर दिया एज मैट्रिक्स बी को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो बस आपको यही करना होता है हर क्वेश्चन में आपका, जब भी एनसीईआरटी के पेपर में या बोर्ड में, कभी भी एनसीईआरटी बोर्ड पेपर में या किसी भी एग्जाम में जैसे आपकी क्लास टेस्ट है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो ऐसा ही होता है कि आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन होता है उसको आपको एक्सप्रेस करना होता है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आई होप अब आपको समझ आए. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. Please don't forget to subscribe to the channel and like the video. And the most important part, in case you have any query, please write down in the comment section. Thank you.